आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ छुटभैये नेता श्रीकांत त्यागी के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में एक महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम था। उनके साथ 3 साथी भी श्रीकांत के गिरफ्तार हुए हैं। श्रीकांत को नोएडा की सूरजपुर अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की भी अपनी एक अलग बड़ी दिलचस्प इनसाइड स्टोरी है जो हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पहले आपको उन लोगों की बात सुनवाते हैं जिन्होंने श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद चैन की सांस ली है। लेकिन ये सभी लोग जो नोएडा के उसी हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं जहां श्रीकांत रहता था, ये सिर्फ गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं कि उसने हमारी बहन को गालियां दी, धक्का दिया, और वो गाली उसी को नहीं दी, धक्का उसी को नहीं लगा, वो हमें धक्का लगा। हम सब जितनी लेडीज हैं, वी आर सिस्टर्स, तो आज हमारा सपना पूरा हो गया। हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे, मकान को सील किया जाए और बैन की जाए एंट्री। पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक जांच होनी चाहिए कि ये हुआ ही क्यों पहली बात तो, और फिर 3 दिन क्यों लगे और आगे क्या होने है, तभी हमारे को राहत मिलेगी। डेफिनेटली बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि लोगों में एक सेंस ऑफ कह सकते हैं कि कानून के प्रति जो एक बिलोंगिंग कह सकते हैं आप, कानून के प्रति जो पहले था कि चल रहा है चीजें, ये चीजें पहले भी चल रही थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन लोगों के बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा था। आपको क्या लगता है कि इसके बाद श्रीकांत त्यागी यहाँ पे आके अगर आप लोगों के साथ रुके और इस फ्लैट में रहे, क्या आप लोग उसमें सेफ फील करेंगे या फिर आप लोग चाहेंगे कि अब इस ऐसी स्थिति में वो जो है वो आएंगे और यहाँ रह पाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, नहीं आएंगे शायद। ना आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ से ना, इनको यहाँ से देखिए तो कानून अपना काम करे, क्योंकि इतनी धार। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गई थी। श्रीकांत के उत्तराखंड में होने की जानकारी पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस उसे वहां भी पकड़ नहीं पाई। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती कर ही देता है। श्रीकांत त्यागी के साथ भी यही हुआ। श्रीकांत की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस से बचने के लिए श्रीकांत एक मंजे हुए अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। फरार होने से पहले उसने अपना मोबाइल फोन अपने नोएडा के फ्लैट में ही छोड़ दिया था। उसके बाद वो जहां भी जाता था वहां किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फोन से वो कॉल करता था और अपनी लोकेशन तुरंत बदल लिया करता था। पुलिस ने बताया कि श्रीकांत कहीं भी 3 घंटे से ज्यादा रुक नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस को यकीन था कि श्रीकांत अपनी पत्नी और वकील से संपर्क में जरूर आएगा, इसलिए श्रीकांत त्यागी को ट्रैक करने के लिए उसकी पत्नी अनु त्यागी से जानकारियां ली गई और पुलिस ने अनु त्यागी के फोन में से वो सारी जानकारियां निकाली और उनके फोन से वो मैसेज करवाए जिनसे श्रीकांत त्यागी उनके संपर्क में आ गए। श्रीकांत पुलिस के इस जाल में फंस गया और सोमवार रात को उसने अपनी पत्नी अनु त्यागी को फोन किया। नोएडा पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस कर लिया और उसकी लोकेशन मेरठ में मिली और फिर आज सुबह करीब 6 बजे मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। चर्चा यह भी है कि श्रीकांत अपने वकील के जरिए सरेंडर करना चाहता था, लेकिन नोएडा पुलिस हर हाल में उसे सरेंडर से पहले ही गिरफ्तार करना चाहती थी, क्योंकि इस मामले में नोएडा पुलिस की पहले ही काफी बदनामी हो चुकी थी। महिला संबंधी अपराध के प्रति शासन और डीजीपी मुख्यालय की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और उसके तहत ही शासन एवं डीजीपी महोदय ने स्वयं इसका संज्ञान लिया था और लगातार इसका अनुश्रवण चल रहा है। सर, काफी चुनौतीपूर्ण रहा, 4 दिन का समय लगा है और आपने बताया जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही थी, कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि इसको देना? ऐसी कोई इसको हम बहुत उपलब्धि नहीं मान रहे जिस तरह की घटना हुई थी। श्रीकांत त्यागी को नेतागिरी का यह शौक इतना महंगा पड़ा कि वो एक इनामी बदमाश बन गया। हालांकि उसके दिमाग से नेतागिरी चमकाने का नशा उतरा नहीं और उसने फरार होने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया उसे भी पुलिस ने बरामद किया है। और हैरान करने की बात यह है कि उसकी कार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्टिकर चिपका हुआ था जिस पर 2023 तक का मान्य होने की स्टैंप लगी हुई है। और ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ये विधायक का स्टिकर है जो विधायकों की गाड़ी पर लगता है।
और इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। तो एक बड़ी एसयूवी, उस पर बीजेपी का झंडा और विधायक का स्टिकर। कार से एक वॉकी टॉकी भी बरामद हुआ है और पुलिस का कहना है कि श्रीकांत त्यागी इसी कार में बैठकर फरार हुआ था और फिर गाड़ी को एक जगह छोड़कर वो आगे निकल गया। अगर कोई इस तरह के छुटभैये नेताओं की जिंदगी पर शोध करना चाहे तो श्रीकांत त्यागी की जिंदगी एक बिल्कुल परफेक्ट केस स्टडी हो सकती है। हमारे देश में छुटभैये नेताओं की कोई कमी नहीं है, आपके भी आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और आप भी अपने आसपास कई छुटभैये नेताओं से परेशान होंगे। राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता, छात्र नेता और विभिन्न इकाइयों के नेता छुटभैये नेताओं की श्रेणी में आते हैं। श्रीकांत त्यागी भी खुद को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का एक ऑफिस बेरर बताता था। छुटभैये नेता आपको कई जगहों पर नजर आते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में दिखते हैं, महत्वपूर्ण नेताओं के समर्थकों के साथ या फिर राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने का काम उन्हें दिया जाता है, राजनीतिक दलों के दफ्तरों में वो आपको दिख जाएंगे। और श्रीकांत त्यागी भी ऐसे ही थे, उनमें सारे गुण मौजूद थे। उसकी कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं और इन्हीं तस्वीरों को दिखा दिखा कर वो सब पर अपना रौब दिखाता था। अपना रौब जमाने के लिए लोगों के साथ ये छुटभैये नेता अक्सर बदसलूकी करते हैं, पुलिस और प्रशासन में अपनी ऊंची पहुंच की धमकियां देते हैं फोटो दिखा दिखा कर, और श्रीकांत त्यागी में भी ये सारी आदतें मौजूद हैं। छुटभैये नेता होते क्या है? ये समाज में अपना रसूख कायम करने के लिए इनकी कुछ पहचानें होती हैं। जैसे इन सब के पास आपको एक बड़ी या महंगी गाड़ी मिलेगी, एक एसयूवी मिलेगी, गाड़ी पर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का झंडा जरूर लगा होगा जिसमें ये बताते हैं कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। और ज्यादातर राज्यों में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है जिस पार्टी की, उस पार्टी का झंडा फैशन में होता है। पार्टी में अपने स्थानीय पद को ये अपने नंबर प्लेट पर बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं। देश में लाल बत्ती का जो कल्चर है वो तो समाप्त हो गया, वर्षों बीत चुके हैं इसे, लेकिन छुटभैये नेताओं के मन और मस्तिष्क में हमेशा लाल बत्ती और हूटर बजते रहते हैं। श्रीकांत त्यागी के पास से पुलिस ने कई महंगी गाड़ियां और एसयूवीज बरामद की हैं, उन सब पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे और बीजेपी के चुनाव चिन्ह चिपके हुए थे ताकि ये लोगों को पता लगे कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता गुजर रहा है। छुटभैये नेता हर राजनीतिक दल में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में है, हर दल में है और उनकी मांग हमेशा बनी रहती है और उन्हें अक्सर छोटे मोटे पद भी दे दिए जाते हैं। हर पार्टी और गली मोहल्ले की राजनीति के लिए जिला स्तर और ब्लॉक या बूथ स्तर पर स्थानीय इकाइयां चलाई जाती हैं जिनमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, संयोजक होते हैं। ऐसे पदों पर इस तरह के छुटभैये नेताओं की भर्तियां होती हैं। हमारे देश में अब आप अंदाजा लगाइए, हमारे देश में 733 जिले हैं और 7200 से ज्यादा ब्लॉक हैं, 4000 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं और 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला, ब्लॉक, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर अलग अलग पार्टियों के छुटभैये नेताओं की संख्या लाखों में होगी, क्योंकि हर ब्लॉक में आपको ब्लॉक प्रमुख मिलेंगे, बाकी के पदाधिकारी मिलेंगे, फिर उसके अलावा जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, पूर्व जिला प्रमुख है, ये सारे आपको मिलेंगे। इसी तरह चाहे किसी भी पार्टी के पार्षद हों, विधायक हों या फिर कोई और पदाधिकारी हों, चाहे वो इस समय के हों या पूर्व हों, कोई विधायक अगर 20 साल पहले भी विधायक रहा है तो आज भी वो अपने आप को पूर्व विधायक लिखता तो है लेकिन अपने आप को विधायक ही मानता है। ये सब अपने अपने क्षेत्रों में, कई हिस्सों में जो है ये अपने हिस्सों को बांट देते हैं और हर हिस्से में इनका कोई ना कोई प्रतिनिधि रहता है। आपने अक्सर सुना होगा फलाना व्यक्ति, फलाना नेता, फलाना मंत्री या विधायक का आदमी है, यही आदमी असल में छुटभैया नेता होता है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों में अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, महिला मोर्चा होता है, किसान मोर्चा होता है, दलित मोर्चा होता है, बहुत सारे मोर्चे होते हैं, सरकारी कर्मचारियों का मोर्चा होता है, ऐसे दर्जनों मोर्चे होते हैं जहां पर उन हर मोर्चे में कोई अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, संयोजक होता है, तमाम तरह के उनके डेजिग्नेशंस होते हैं और ये सारे लोग फिर अपने उन डेजिग्नेशंस को अपनी नंबर प्लेट पर लिखते हैं और फिर सरकारी अधिकारियों पर रौब डालते हैं, आम लोगों को डराते हैं। वक्त पड़ने पर इन छुटभैये नेताओं का इस्तेमाल तमाम राजनीतिक पार्टियां भीड़ जुटाकर अपना दबदबा दिखाने के लिए करती हैं। असल में ये सभी छुटभैये नेता राजनीतिक दलों का मजदूर वर्ग होता है जिसे बड़े बड़े सपने दिखाकर काम पर लगा दिया जाता है और बदले में ये छुटभैये नेता भी बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं जिनके दम पर सरकारी अधिकारियों और आम लोगों पर ये रौब झाड़ते हैं।